आईटी से कनेक्शन रहा है आपका भी हमारे सीएम साहब की तरह, कैसे पहुंचे आईटी तक? जब मैं ये सोचता हूँ तो ऑलमोस्ट लगता है कि एक मेरे ख्याल से पास्ट लाइफ रही है क्योंकि उसमें और अब में काफ़ी अंतर आ गया है। बट देखिए, मेरा जो बचपन था एक बहुत ही छोटे टाउन में बीता था। सिलवासा कैपिटल है दादरा नगर हवेली का, गुजरात यूनियन टेरिटरी, नहीं इट्स यूनियन टेरिटरी, हाँ गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। और मेरे फादर एक छोटे से बिजनेसमैन थे, मदर हाउसवाइफ थी और एक मेरा एल्डर ब्रदर था। बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ फैमिली। हम मैं 12वीं तक एक हमारा 1 BHK हाउस था, वहाँ पे पूरा बचपन बीता। और पेरेंट्स का यही था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों बॉम्बे से हैं, उनको थोड़ा ये था कि नहीं हायर एजुकेशन और IITs वगैरह, या तो कलेक्टर बनना है या तो फिर बाकी सारी चीज़ें। तो मेरे फादर को पहले बहुत था कि कलेक्टर IAS वगैरह पे, तो लेकिन मुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। नेचुरल एक इंक्लिनेशन था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह में। तो इट वॉज़ लार्जली माई पेरेंट्स जिन्होंने ये मुझे विजन दिलाया कि नहीं IIT के लिए आप एस्पायर कर सकते हो। और लेकिन चैलेंज ये रही थी कि सिलवासा जैसे छोटे टाउन में जहाँ पे केवल 2 स्कूलें थी, वहाँ पे अधिकतर मेरे टीचर्स को नहीं पता था IIT क्या होती थी। और IIT की पढ़ाई 11वीं 12वीं में ही होती है। मैंने 1 स्टैंडर्ड से लेके 12वीं स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में सिलवासा में पढ़ाई करी थी। तो चैलेंज था कि कैसे करेंगे। और मैंने तब पता किया था कि और कौन है जिससे मैं गाइडेंस ले सकूँ। तो पता चला पूरे दादरा नगर हवेली में एटलीस्ट इन द लास्ट 10-15 ईयर्स जहाँ पर मैं था, कोई भी IIT ने अपीयर किया या पास नहीं किया था। अच्छा। हाँ, तब ये था कि मेरे एल्डर ब्रदर का काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला। उसने पता किया और बम्बई में एक इंस्टीट्यूट था और मुझे वहाँ पे एडमिशन कराया। तो हर संडे मैं ट्रेन पकड़ता था 3-3 घंटे की। सिलवासा से क्लोज एक वापी रेलवे स्टेशन है, 3 घंटे लगते थे बम्बई पहुँचने। तो ये दिस वॉज व्हेन आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। तो 3 घंटे की 1-way जर्नी होती थी, 2 बजे की क्लास थी, 2 से 6, 4 घंटे, 4-4.5 घंटे, और रात को 11 बजे। तो सुबह मैं 6 बजे उठता था और रात को 11 बजे वापस सिलवासा अपने घर पहुंचता था।